नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दे पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल संचालकों और शिक्षकों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं सीताराम तवर, सेक्रेटरी भारत पब्लिक स्कूल। मेरा ये मानना है कि बच्चों के अंदर डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और इसमें नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है वो जो अनडिसिप्लिन होता है बच्चों के अंदर उसमें इसका अहम रोल है। देखिए, नैतिक मूल्यों में जो गिरावट आई है, हमारा समाज भी जिम्मेदार है, इसमें पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं और साथ साथ कुछ जो स्कूल के टीचर्स हैं, जो वैसे सुनने में आया कि ये हरकत कर दी वो हरकत कर दी, उसमें वो भी जिम्मेदार होते हैं। मेरा ये मानना है कि यौन शिक्षा को आप 10th क्लास से ऊपर यदि इम्प्लीमेंट करते हैं मेरे हिसाब से सही होगा। देखिए सर, जो अपने हरियाणा बोर्ड के स्कूल हैं उसमें फीस जो है आटे में नमक वाला हिसाब है और हम लोग जो इस संस्था को चला रहे हैं हमारी फीस ना के बराबर है। बाकी और के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हम तो अपने हिसाब से बिल्कुल जेन्युइन फीस यहाँ ले रहे हैं और उसी पे हम अपने खर्चे पे ही स्कूल चला। हाँ सर, ये टाइम टेबल के हिसाब से बच्चों का जो वजन है वो काफ़ी हम लोगों ने कम कर दिया है। खाली जो टाइम टेबल है उसी के हिसाब से बुके हम मंगाते हैं।